मुफस्सिल थाने की मामले में जहां सनतिया निवासी चंदन पांडे बुरी तरह जख्मी हो गया और उन्होंने भोजपुर दर्शन से बातचीत के क्रम में कई बातों की जानकारी भी दी। उन्होंने मुफस्सिल थाना प्रभारी पर कई आरोप भी चंदन पांडे ने लगाया। वहां पे वो बैठे, फोटो है मेरे पास, और उसके बाद जितना रॉन्ग था, जितना मिसिंग था, वो सब उन्होंने सुधरवाया अपने उपस्थिति में। इसको मैंने रोका और उसके बाद मुझे पकड़ के फिर मैंने अपने अध्यक्ष जी को फोन किया गाड़ी से, उसके बाद मेरा फोन छीना गया और पूरे विधानसभा घुमाया गया चारों तरफ, यहाँ पर नहीं लाया गया। मैंने अध्यक्ष जी को बताया था कि जा रहा, मुझे पकड़ के लिए जा रहा है, तो इन्होंने वहीं से गाड़ी और जगह जगह रोक के मुझे बहुत ही गंदी, अरे माधव जो 2% वाला साला हमने के वोट पर राज कर रहा था साला, मोदिया गइल बा साला गुफा में उका करी रे साला, शंकर भगवान तोरा गोबर पर के पैसा उठावे वाला बहुत बार देखिए। और उसके बाद देख कमर पे भी मार, और उसके बाद कपड़ा खोली हमने लिया, और उसके बाद मैंने उनसे पानी मांगा था, उन्होंने चला मुझ पिया देंगे तुमको रे, पानी मांगा था उनसे, चला को मुझ पिया साला, बहुत ऐसी गालियां की जिसको सोच भी नहीं सकता उसका। साला चला रविंदर राम नाम है रे साला, मेरा रविंदर राम नाम है रे, तेरा की क्या वीरेंद्र राम है, रविंदर राम कुछ सच्ची रहते के साला, हम ओरिजिनल औलाद है साला, तो नहीं कर इस तरीके से नाम बता दो चाचा, बैठा भैया अपन नाम बोलो। चंदन पांडे, संसदीय क्षेत्र आरा लोकसभा। कौन पुलिस वाला गाड़ी दे रहा था? कौन पुलिस वाला? गोबर के पैसा उठाने साला तोनी के हमनी के वोट पर राज कर तारा सर साला, मादर जो राजपूत ब्राह्मण साला तोनी के हमनी के खा गेले सर साला, ए तरीके के एसपी साहब पानी मंगवा के दिए तो वो पूछे, हमारे पापा ऊपर लोग आए थे तो पता नहीं किसको पटक के मारने लगे, तो मुझे लगा कि पापा है, तो मैंने कहा कि बाबू पापा के बचाओ सर, तब तक गोली चला दिए, तब तक गोली चला दी है, फोटो रखे उनका सर, प्रेजाइडिंग अफसर के जगह पे बैठ के जो सुधार है उसका फोटो हमने रखा है।